लकी बहुत ही बैड पीरियड चल रहा है यार। लगता है सांस बहुत खराब है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, खान का कर्जा चुकाना है, दूध का बिल देना है, और वो साला भटूरा वाला, उसके भी तो पैसे देने। एक बात तो भूल रहा है राजा। कौन सी बात? घर का किराया भी तो देना है। ओ गॉड। जय बजरंग बली। ना कसम होल डोल की, आज तलक इतना घटिया इंट्रोडक्शन हिंदी पिक्चरों में किसी कैरेक्टर का नहीं हुआ जो तुम लोगों ने मेरा किया। अबे जाजा बे, मैं पूछता हूँ ये कौन सा तरीका घर खाली करवाने का? राजा हा? अपनी पार्टी का लगता है भाड़ा नहीं दिया होगा बेचारा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 5,000 रुपए देता हूँ महीने के महीने। अरे तू चुप कर। लेकिन इसका कसूर क्या है? और कसूर नहीं जी, जुर्म कहो जुर्म। और दिन भर अपनी घटिया कहानियां सुनाकर परेशान करता है, कहता है बम्बई जाऊंगा, डायरेक्टर बनूंगा, राइटर बनूंगा, और रात को खर्राटे मार मार कर तंग करता है। खर्राटे? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इसे घर से निकाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। ओ इसको घर में रखने से तो अच्छा है कि घर बेचकर कहीं जंगल में जाकर रहे। जाओ जाओ, अकेले तुम्हारा ही घर नहीं है शहर में, पैसे फेंकूंगा दूसरा घर ले लूंगा। तो जाकर ले लेना फिर। तो जाओ ना, गेट पे क्यों खड़े हो? या नचंदी का मेला चल रहा है क्या, या शोले की शूटिंग चल रही है? जाओ। सर आपको मैकेनिक चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास है क्या? यह लेकर नहीं है, घर को घर में ही रख के आया हूं। कॉटेज चलेगा? बे अब तो ड्रेनेज भी चलेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। ऑलरेडी इसमें हम दोनों हैं, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कोई बात नहीं भाईजान, एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन वहाँ फैन है? फैन नहीं, फैंस है। ओके, सेपरेट बाथरूम है? बाथरूम सेपरेट नहीं है, बाथरूम में ही रूम है। एक मिनट, अभी आया ओमपुरी। ओमपुरी के बच्चे बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया? इस ढोल को तू अपने साथ रखेगा? अरे यार जब तक बजाने लायक रहेगा हमारे साथ रहेगा, नहीं समझे? फौरन 5,000 रुपए एडवांस लेकर खान का कर्जा चुका देंगे, और हर महीने का किराया भी इसे लेकर देंगे। ऑन द होल किराया ये भरेगा, कब्जे में हमारा रहेगा। वेलकम, आइए आइए आइए। ये रहा हमारा इंद्र भवन। तुम तो बोल लेते फैन होंगे, कहाँ है वो? है ना, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, या अभिषेक बच्चन का फैन है, और इस घर का मालिक अपनी नौकरानी का फैन है। ये नौकरानी को मारो गोली, ये खंडहर के 1,500 रुपए भाड़ा और 5,000 एडवांस, मिस्कू नीचे मैं जा रही हूँ। ऋषि कपूर बोल। चिंपू कपूर, शेखर कपूर, सुभाष गए, डेविड धवन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टरों ने यहीं पर बैठ के अपनी स्टोरी लिखी है। तो क्या बोल लिया भाईजान, यहाँ दिल्ली आए थे वो? ऑफ कोर्स यस। तो इसका मतलब तो आप जानते होगे इनको? ऑफ कोर्स जानते हैं। ये बात अलग है कि वो हमें नहीं जानते। ये कौन सी जान पहचान है? अरे इनका कहने का मतलब है कि एक दिन आप बहुत बड़े राइटर बनेंगे। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तारीफ करके तुमने मिचको ना इमोशनल कर दिया, ये लो एडवांस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल अपना चक्कर। हंसते हंसते क्या कह गया ये? जल्दी से खान चाचा को पैसे वापस करके अपनी फाइल ले आते हैं। भैया राजा भैया, ये रही आपकी फाइल। मेरी फाइल? ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? वो सामने हॉस्टल में जो फ्लोरेंस रहती है ना, उसने दी है। ओ मैडम, अरे लोग एक्सीडेंट के बाद आजकल अस्पताल में जाके गिरते हैं, आप सपने में जागी रही? अच्छा हुआ मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वरना मैं जेल में जा गिरा होता। चलिए मैडम उठिए, डांस करते करते थक गई होंगी, अब घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। जोगन जोगन। यार लकी, मैं अजीब कश्ती में सवार हो गया यार। ये लड़की बीवी का नाटक करते करते पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रही है, और आगे भी ना जाने क्या क्या करवाएगी। अरे तुम हो इस लायक। और एक बार मैं आइडिया। क्या? देख अगर वो तुम पर पत्नी होने का हक जताती है तो तू क्यों पीछे रहता है? मैं समझा नहीं। लकी पहली बार तूने कमाल का आइडिया दिया है, अगर तेरा बदन बदबू नहीं मारता ना तो मैं तुझे गले लगा लेता। हेलो जी। नमस्ते नेबर आंटी जी। नमस्ते जी। बेबी ये शाम से दोनों के दोनों बार बार फूल किसके लिए लेके जा रहे हैं? चाची जी तुसी मेरी चोटी तो कम्प्लीट कर लो, फिर जाके देखते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। चाची जी कमरे को तो बिल्कुल सुहागरात के स्टाइल में सजाया है ना? सुहागरात के स्टाइल में नहीं, सुहागरात के लिए ही सजाया है। सुहागरात किसकी? हमारी, तुम्हारी और मेरी। अच्छा क्या हमारी? और नहीं तो क्या, गुम्मन अंकल की। चाची जी हमारी शादी को हुए 3 महीने हो गए, 3 months, but for information you know, हमने अभी तक सुहागरात ही नहीं मनाई। एक्चुअली भूल गए थे। अनबिलीवेबल ना। लकी चल बहुत काम है। क्या
सुहाग रात ही नहीं मनाई, तभी मैं कहूँ तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ते रहते हो सारा दिन। चाची जी दरअसल बात ये है कि बात कुछ भी हो पर ये बात ठीक नहीं है बेबी। आंटी बिल्कुल सही कहा आपने, आप जल्दी से इसे सुहाग रात के लिए तैयार कर दीजिए। चल बेटा चल। अरे चाची जी आपको कुछ नहीं पता, अंकल आंटी एंडी अंकल उन दोनों के लिए ब्लैक में टिकट मंगा के कुछ कुछ होता है देखने के लिए थिएटर में बिठा के आ रहा हूँ। देखिए ना आंटी, उन लोगों की पिक्चर खत्म होने जा रही है और मेरी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो इसे कहिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। ये रहा सुहाग रात का जोड़ा और ये रहा सुहाग रात का मेकअप का डब्बा। लकी फूल लग गए। क्या करूं? हां हां अरे नहीं नहीं वन मिनट लिपस्टिक और फुसफुस मत बोलना। राजा कंग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन द फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थैंक यू Thank you very much. Yes. Now let's get ready for the final exam. Yes, yes. Beautiful. Ready. Best of luck for the final examination. Get distinction. Da 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 मैंने झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम जाओ, तो मैं सबके सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। जान सकता हूँ ये सब तुमने क्यों किया। हर एक लड़की मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर पर पहन सकती है, गोल्ड मेडल अपने गले में लटका सकती है, लेकिन एक मंगलसूत्र बिना मंत्र के कभी नहीं पहन सकती। सच सच बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो और ये नाटक क्यों कर रही हो, क्यों सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हो, बोलो। मैं धूल झोंक रही हूँ तो तुम कहाँ से धूल के धुले हो कि तुमने सब लोगों को ये कहकर धोखे में नहीं रखा कि तुम एंथनी और अंजलि के बेटे हो और इन दोनों घरों के ग्रैंडसन हो। ये क्या अनाप शनाप पकड़ी हो बताओ। इस फोटोग्राफ में मेरे साथ और कौन है जानते हो? नहीं। इससे पहले इन्हें कभी देखा है? नहीं। तुम जिनके बेटे बनने का नाटक कर रहे हो वो अंजलि और एंथनी यही है। जिस अंजलि और एंथनी ने लव मैरिज की थी उनका तो कोई बेटा ही नहीं है, उनकी सिर्फ एक बेटी है और वो बेटी मैं हूं। मेरा असली नाम बन तो नहीं टीना है, अब तुम बताओ तुम कौन हो? पिछले 27 सालों से मेरे माँ बाप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में शायद मेरे दादा दादी और नाना नानी को भी ना मालूम हो, लेकिन उनके घरों में क्या हो रहा है ये सारी बातें हमें मालूम हो जाती थी। जानते हो कैसे? जब पूरा गांव मेरे माँ बाप की शादी के खिलाफ था तब उनको सपोर्ट करने वाले सिर्फ एक ही शख्स थे, कुम्मन अंकल। हर हफ्ते हमारे घर में वीकली मैगजीन आए ना आए, लेकिन गुम्मन अंकल की तरफ से खताना नहीं चुकता था। वो हमें खत लिखते थे, ये बात गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता था, उनकी बीवी भी नहीं। तुम्हारी हर बात, यहाँ तक कि तुम्हारे गाने के बारे में भी उन्होंने ही हमें बताया था। अब एक बात समझाओ, दोनों घरों की ग्रैंड डॉटर होने के बावजूद उनके बीच में कोई सुलह या मेल कराने का ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं आया, तो फिर तुम जिनका उन घरों से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, उनका मेल कराने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब है, एक हीरो सी पर्सनालिटी वाला आदमी अपनी शहर की जिंदगी छोड़कर, काम नाम छोड़कर इस कस्बे में क्या कर रहा है? सही सही बताओ ना, सच क्या है? सच? हाँ सच। सच कुछ अजीब सा था। अजीब सा? कुछ अजीब सा, कुछ फैला सा। अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देता है? कुछ मोटा सा है। है? क्या मतलब? कम अगेन?
मेरा मतलब है जिसे आप हीरो सी पर्सनालिटी कह रही है ना, कुछ समय पहले हीरो सी नहीं थी, कॉमेडियन की थी, स्वीट, इनोसेंट, रोमांटिक, म्यूजिकल। लकी सही कह रहा है टीना, फूलों की तरह रंग बदलती जिंदगी में अपने परिवार के रिश्तों से महरूम इस राजा का कुछ महीनों पहले कुछ और ही रंग था, बेढब, हैवी, भारी भरकम। जानता था कि मैं हीरो जैसा नहीं हूं, लेकिन फिर भी दिल में हीरोइन की जगह तैयार कर चुका था। पहली बार उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी का निचोड़ शायद उसी फूल की खुशबू में है। मेरी निगाहें हमेशा उसे ही ढूंढती रहती थी। कितनी नादान, चंचल और भोली थी वो, उसे तो मालूम ही नहीं था कि स्वीट, रोमांटिक, मोटे में भी दिल है।